हेलो गाइस, आज मैं आपको जल्दी से फटाफट पाव भाजी रेसिपी बनाना सिखाती हूँ। कैसे फटाफट से हम पाव भाजी बना सकते हैं, उसके लिए जो भी वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल हो, आलू इज़ द मेन इंग्रेडिएंट एंड पत्ता गोभी, ये दो चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। उसके अलावा जो भी वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आलू लिया, ये पत्ता गोभी और ये थोड़ा सा बैंगन। थोड़ा सा ही बैंगन डालो बट उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये थोड़ी सी गाजर और ये फूल गोभी। आपके पास अगर घिया है, लौकी जिसे बोलते हैं वो भी आप ले सकते हो थोड़ी सी, और थोड़ा सा आप जिसे पेठा बोलते हैं या काशीफल बोलते हैं वो भी डाल सकते हो थोड़ा सा। और बाकी तड़के के लिए आपको चाहिए प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर। और ये सारी चीज़ें मतलब बारीक काट लो, या थोड़ी बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काटनी, थोड़ी मोटी चलेंगी। एंड उसके बाद क्योंकि ये बाद में हमारे को थोड़ा सा ब्लेंड करना है, इसको मैश करना है, तो हो जाएगा, लेकिन बहुत मोटा भी नहीं काटना है। एंड थोड़े से हरे मटर आप जिनको नमक के पानी में थोड़ा बॉईल कर लेंगे। मटर हम साथ में नहीं डालेंगे, हम बाद में डालेंगे, बिकॉज फिर वो बिल्कुल मैश होके पता ही नहीं चलता है मटर है भी या नहीं। ये हम पहले थोड़ा सा लेंगे जीरा, और ये मेरे पास है दालचीनी, और एक या दो लौंग ले सकते हो, वो भी ऑप्शनल है, लौंग लेना कोई ज़रूरी नहीं। और आप वैसे मैं एडवाइस करूँगी कि आप जो पाव भाजी बनाएं वो ऑलिव ऑयल में बनाएं, तो हमने यहाँ पे ऑलिव ऑयल में ही बना रहे हैं क्योंकि वो खाने में हेल्दी भी होती है और अच्छा बहुत टेस्ट में भी बहुत फ़र्क आता है। और ये थोड़ी सी मैंने हींग भी यूज़ कर ली है। ये मैंने तेल में जीरा और दालचीनी डाल दी है और दो बड़े प्याज चॉप करे हुए डाल दिए, और इन्हें तब तक भूनेंगे जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। टमाटर, लहसुन और अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट इसमें तैयार कर लूँगी मिक्सी में। पूरा ये चारों चीज़ें मैं इकट्ठी ग्राइंड कर लूँगी, उनका पेस्ट हो जाएगा। और मेक श्योर पाव भाजी में टमाटर ज़्यादा चाहिए होते हैं, तभी उसका कलर भी अच्छा आता है और ग्रेवी भी अच्छी बन जाती है, तभी उसका टेस्ट आता है, क्योंकि पाव भाजी थोड़ी खट्टी अच्छी लगती है। ये हमारा टमाटर का पेस्ट रेडी हो गया है। गाइस, ये बहुत शॉर्टकट वे है पाव भाजी बनाने का, और ट्रस्ट में बहुत यमी बनती है। आप प्लेटिंग जब बन जाएगी मैं आपको प्लेट दिखाऊंगी, बहुत देखने में भी जितनी यमी दिखती है उतनी ही यमी बनती है। गाइस, ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दिया है, और अब हम इसे भूनने देंगे और इसमें मसाले ऐड करेंगे। हल्दी बहुत नाम की डलती है, बिल्कुल ज़रा सी, एंड आप देगी लाल मिर्च ज़्यादा डालनी है, जो कि 2 टेबलस्पून मैंने डाली है, और ये धनिया पाउडर डाला है। अब मैं सॉल्ट डालूँगी, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने डाला है ये पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला 2 टेबलस्पून डालने हैं, बड़े 2 चम्मच, और आप कोई भी ब्रांड का पाव भाजी मसाला यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये सारी वेजिटेबल्स डाल देंगे इसमें, और फिर थोड़ा सा पानी ऐड करके विसल लगवा देंगे। कम से कम 3 से 5 विसल तक आपको लगानी है ताकि सब्जियां अच्छे से गल जाएं, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है इसमें, क्योंकि पाव भाजी थोड़ा सा थिक पेस्ट होता है, बट थोड़ी लिक्विडिटी फॉर्म की अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं अच्छी लगती है। 5 विसल आने के बाद मैंने गैस बंद कर दी थी एंड कुकर खोल लिया है, और अब मैं सब्जियों को अच्छे से मैश कर रही हूँ। मैं ब्लेंडर नहीं यूज़ करती हूँ, मैं करछी से ही मैश कर रही हूँ उन्हें। और इसमें नींबू का एक अपना अलग फ्लेवर आता है, जो कि नींबू बहुत ज़रूरी है भाजी में डालना, उससे जो टेस्ट आता है खट्टा खट्टा वो भाजी का टेस्ट और अच्छा कर देता है। तो इसमें मैंने आधी टिक्की बटर डाला है, और जो बॉईल करे हुए मटर हैं वो डाल दिए हैं, और 1.5 से 2 नींबू मैंने यूज़ किए हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी एंड और अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, क्योंकि हरे धनिए की जो फ्रेग्रेंस होती है वो एक अलग ही फ्लेवर लाती है किसी भी चीज़ में आप डालते हैं तो। एंड इसके बाद हम करेंगे प्लेटिंग।
ये पाव के रेडीमेड पैकेट्स मैंने बाज़ार से लिए थे एंड उन्हें कट करके मैं बटर लगा के दोनों साइड से अच्छे से पाव को मैं सेक लूँगी, क्योंकि बिना सिके हुए पाव से भाजी अच्छी नहीं लगती। उन्हें थोड़ा सा बटर में सेक लेते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, सॉफ्ट भी हो जाते हैं और खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए आइए करते हैं प्लेटिंग। ये भाजी मैंने डाल ली है और साथ में इसे सर्व करेंगे लच्छे प्याज से, जो कि मैंने हल्का सा नमक प्याज में डाला है और हल्की सी मिर्ची और नींबू निचोड़ के मैंने प्याज रेडी करे हैं सैलड के। और नींबू की स्लाइस रखेंगे, हरी मिर्च रखेंगे और साथ में ये पुदीने और अम्बी की चटनी से हम इसे सर्व करेंगे। और अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा और बटर ऐड करेंगे, बिकॉज बिना बटर के तो पाव भाजी अच्छी नहीं लगती। ये प्लेट हो गई हमारी तैयार।